मेरा नाम मनवाना बेगम है और मैं करीब 10-11 साल से चिंतन के साथ जुड़ी हूँ। गली में घुसने से तो पहले स्वागत कुत्ते ही करते हैं, कितने को तो काट भी लिए हैं और पुलिसों को भी परेशानी होती थी, बोलते इधर नहीं इधर जा, चौकीदार भी मना करते थे। ऐसी भी परेशानी आ जाता था जो औरत जाते हैं उसके लिए बहुत बुरी थी, लेकिन क्या करें, हमारी उतनी हिम्मत नहीं थी जो हम उनसे लड़ सकते, लेकिन हमारी अब हिम्मत हो गई चिंतन सफाई सेना के साथ मिलके। एक बार हमारे सारे काम बंद कर दे रहे थे, पुलिस वालों भी बहुत तंग कर रहे थे, तो हम लोग कम से कम 1000 बंदे मिलके पार्लियामेंट में पहुंच गए। वहाँ मैडम से मिले, शीला दीक्षित से, उनने मना कर दिया कि आप लोग नहीं कर सकते ऐसा काम। हम लोगों ने कम से कम लगातार 1 हफ्ता उनके पास गए, फिर जाके वो माना। वो हमारे बच्चों की पढ़ाई हो रही है, सफाई से चिंतन ने मिल के वो स्कूल खोले हैं, फिर जो हमारी लेडीज हैं बहनें हैं जो काम नहीं कर सकती है उनके लिए काम निकाला है। मेरा नाम जयप्रकाश चौधरी उर्फ संतु है और मैं चिंतन से 12 साल से जुड़ा हुआ हूँ और चिंतन के सौजन से अभी सफाई सेना बनाया गया है जो कि बेस्ट पिकर और छोटे गोदाम वाले मिलकर चलाते हैं। उनका एसोसिएशन है सफाई सेना वेलफेयर एसोसिएशन, मैं उसका सचिव पद पर कार्य कर रहा हूँ। जो महीने भर में हम कमाते हैं वो सारी कमाई को पुलिस ले जाता था, बचा खुचा MCD, रिक्शा पकड़ लेना, साइकिल पकड़ लेना, बहुत सारी परेशानी आ रहा था। फिर जब चिंतन 1999 में शुरू हुआ, हम लोग जुड़े तो चिंतन अपनी लड़ाई लड़ना शुरू किया, जो हाईकार्ड इशू करता है उससे हमारे को पहचान मिला, क्योंकि चिंतन के अंदर हमको ट्रेनिंग मिला, कई तरह का वर्कशॉप मिला, हमको हमारे अधिकार के बारे में जानने के लिए मिला। तो आज पुलिस को हम धारा 14 और 21 के बारे में समझा देते हैं कि धारा 14 और 21 क्या है, हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ है। कि आज जैसे आप देख रहे हैं रेलवे स्टेशन में चिंतन का प्रोजेक्ट और सफाई सेना चला रहा है, अगर NGO नहीं होता, चिंतन नहीं होता, तो आज कवारी को कोई पूछने वाला नहीं था। जल को सुरक्षित रखते हैं, जगह बचाते हैं, पर्यावरण सुरक्षित रखते हैं। आज जो हम काम कर रहे हैं उससे 20% कार्बन को कम कर रहे हैं। सरकार एक आतंकवादी को बचाने के लिए लाखों रुपये खर्चा कर देता है और हम रोज लाखों आतंकवादी को लाके यहाँ नष्ट करते हैं। पूरा एक टेररिस्ट है, बहुत बड़ा टेररिस्ट। मेरा नाम सुमेधा बीबी, हम गाजीपुर ढेरी फार्म से। पुलिस वाला हम लोग को डन करता था, जहाँ कहाँ से आया, कहाँ से रहने वाला, तुम लोग बांग्लादेशी है। तो जब चिंतन वाला का हम लोग पास आ गया, कुछ दिक्कत होगा तो उन लोग को तुरंत फ़ोन करेगा, उन लोग हम लोग के पास आ गया। हम लोग का ID कार्ड है एवं रेशन कार्ड है, तो दिक्कत उसको रेशन कार्ड भी हो गया, हम लोग का आज तक पाचन पत्र भी हो गया, आज लोग कोई दिक्कत नहीं है।